वाली कुछ ताकत है, कुछ कट्टरपंथ समाज के लोग हैं, कुछ कट्टरपंथ ग्रुप के लोग हैं जो मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान बिखरा हुआ है, इनका नेता नहीं, इनकी पार्टी नहीं, इनका कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन उनको समझना चाहिए और इस देश के हर नेता को और इस देश का हर पुलिस को यह समझना पड़ेगा कि एक मुसलमान की हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप एक मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को समझता है। हम भारत में, जब से भारत देश आजाद हुआ है, किसी सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं, ना मुस्लिम इलाकों में कोई स्कूल मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना कॉलेजेस मिले, कुछ नहीं, ना अच्छे रास्ते, ना अच्छा रोजगार, ना ही आरक्षण। ले देकर बचा है तो सिर्फ इस्लाम, हमारी मस्जिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत। आज 70 साल बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी आजमाइश के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद, जिसके भी सरकार बनी हो, सबसे लुटवाने के बाद, आज 2024 में कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने के लिए चाइना और पाकिस्तान की दलाली के अंदर में इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं। पूरे भारत में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इवन पश्चिम बंगाल, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों के हाथों में, उनको यह आजम उठाना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो इल्जाम लगा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हस्ती का नाम है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी समझा नहीं है। 1400 साल पहले जब दुनिया अंधकार में डूबी थी, लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए मासूम छोटी छोटी लड़कियों को जिंदा जमीन में दफना देते थे, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी, उनको शिक्षा दिया कि बेटी को दफनाने से खुदा खुश नहीं होगा, बल्कि बेटी को पालने से, उसको शिक्षा देने से, उसको पढ़ाने से, उसकी तरबियत करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आप गुस्ताखी पर उतारू हैं, आप कहते हैं कि इस्लाम औरतों को सम्मान नहीं देता। 1400 साल पहले पूरे दुनिया में औरतों का कोई सम्मान नहीं था, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता था, नाचने की एक चीज बनाई जाती थी, अगर कोई विधवा हो जाती तो उसे कहते थे कि ये तो कलंकित है, ये तो मनहूस है, जिसकी वजह से किसी का बेटा मर गया। अगर किसी का पीरियड आता था, उसको 4 दीवार में चुनवा कर फेंक फेंक कर खाना देते। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने सिखाया औरत कलंकित नहीं होती है। अगर माँ है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, अगर बहन है तो तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा हमसाया है, उसकी इज्जत करो, अगर बेटी है तो उसे पाल पोस कर बड़ा करो, जन्नत चले जाओगे, और अगर कोई औरत तुम्हारी बीवी बनती है तो उसके साथ अच्छे से बात करो, अच्छा सुलूक करो। दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धार्मिक किताब ये बात आपको नहीं सिखाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को सिखाया है। उन्होंने क्या बताया है कि दुनिया में बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने घर की औरतों से अच्छे से बात करता है। बताइए कौन से धार्मिक किताबों में ये बात लिखी है, ये बात किसी धार्मिक किताबों में नहीं लिखी है। लेकिन हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हैं, कोई घमंड हम लोगों के अंदर नहीं, कोई हमारे अंदर नफरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी जैसा भी है, तुम तकलीफ उसको नहीं दे सकते। अगर कोई मुसलमान मुसलमान नहीं है, अगर वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है, ये तालीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लेकिन आज कुछ मर्दूद लोग, कुछ देश के गद्दार लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। वो सब चाइना के दलाल हैं, वो सब बीजेपी के एजेंट, वो सब पाकिस्तानी दलाल हैं। पाकिस्तान का क्या मकसद है भाइयों, चाइना का क्या मकसद है, इस देश को तोड़ दो। चाइना क्या चाहता है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाओ ताकि बॉर्डर में चाइना फायदा उठाए। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे अपने देश से मोहब्बत है, मैं कभी नहीं चाहता कि भारत का कोई दो समुदाय आपस में लड़े, कभी भारत का मुसलमान ये नहीं चाहेगा। लेकिन वो चाहता है, और उनकी चाहत को, पाकिस्तान और चाइना की चाहत को कौन पूरा कर रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये हिंदू युवा वाहिनी के लोग, क्यों?
तुम खुद को कहते हो कि हम देशभक्त है, जबकि असल में देश के गद्दार तुम हो। और देश से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ इस देश का मुसलमान है। मैं यही अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस उम्मीद से कि जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, सब ने की है, कि यदि नरसिंह होती हो, ये रामगिरी महाराज जिन्होंने जो गुस्ताखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की कोशिश की है, यहाँ की पुलिस उसको पकड़े, उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों से ज्यादा पुलिस वालों की है और इस देश के नेताओं की है। मुझे उम्मीद है कि उनको जल्द से जल्द पर कार्रवाई होगी और यहाँ पर इंसाफ करने का काम करेगा। वाफिरु दवाना व अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।